हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी जिया। दिस वीडियो विल बी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माय संस्कृत टेस्ट। तो स्कूल से आने के बाद ना, तो मैं सबसे पहले मैथ्स कर रही थी। हमें 15 क्वेश्चंस मिले थे, तो मैंने सोचा अपना 13 चैप्टर ना बिल्कुल परफेक्ट कर लेती हूँ। मैंने वो मैथ के टेस्ट के दिन ये वाला किया था 13 चैप्टर अच्छे से। तो ऑल क्वेश्चंस तो मेरे बन रहे थे, बस ये वाला जो लगा रही हूँ ना मैं, ये दो क्वेश्चंस मैंने दो बार लगाए हैं, क्योंकि ये इस दोनों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। जो मेरे से नहीं आ रहे थे तो मैंने दो बार लगाए हैं, तभी मेरे 15 क्वेश्चंस हो गए थे। एंड ये कोनिकल वाला था, इसमें मैं ऐसे ही देख लेती हूँ कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो मैं दो दो बार एक क्वेश्चन को लगा देती हूँ। स्टार्टिंग के तो बन रहे थे, बट जो लास्ट में आ रहे थे ना तो वो नहीं बन रहे थे। फिर मैंने उसके बाद ये बंद किया, क्योंकि मेरा 13.1 कंप्लीट हो गया था, मैथ का होमवर्क भी हो गया था। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया संस्कृत लर्न करना सैम्पल पेपर वन। हाँ, तो पहले मैंने उसका पूरा, वैसे तो सिर्फ रिवाइज कर रही थी क्योंकि मेरे को लर्न हो गया था संस्कृत, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स को बिना देखे रिवाइज कर रही थी। जो नहीं बन रहे थे उन्हें देख के समझ के कर रही थी। मतलब संस्कृत में कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब रटना ही पड़ता है मेरे हिसाब से, तो संस्कृत को रटना ही पड़ता है। तो जो वर्ड मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहे थे वो मैंने लिख के देखे, और वैसे भी मेरे को लर्न था ये वाला, और मैंने ये लर्न कर लिया था अराउंड 9। हाँ, तो 9:03 हो गए थे, 9:03। और उसके बाद मैंने खाया सकला, मतलब शकरकंदी, और ये सीताफल। ये थोड़े ब्रेक ले रही हूँ ना इसलिए। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की लर्निंग संस्कृत का लेटर, मतलब हाँ ये जन्मदिन का उसका लेटर है, तो यही लर्न कर रही थी मैं। देन इसके बाद मैंने इसे बंद किया, और एक बार मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या लर्न किया। मैंने ये सारा लर्न किया है, और फिर मैं बंद करके मैंने किया मैथ्स। मैथ्स के मेरे को MCQS करने थे, मॉडल पेपर के तो नहीं, मॉडल पेपर के मेरे को बाद में करने हैं, बट चैप्टर फर्स्ट के पहले और चैप्टर सेकेंड के। सो देन मैंने इसमें ना पहले टिक लगाया सारे, मतलब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड के MCQS में मैंने टिक लगाया है, और इसमें आंसर दिए रहते हैं नीचे, बट इसमें मैंने थोड़ी समझा, फिर आई नहीं रहा था मेरे को समझ, तो मैंने ऐसे ही देख के लगाया। फिर मैं उसे लर्न कर लूँगी, और समझ समझ के लगा रही थी। एंड मेरे को ना 24 को सारा सुनाना है, हम लोग को पूरी परीक्षा अध्ययन के, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं ना टोटल, पूरे चैप्टर्स के MCQS सुनाने हैं। देन मैं इसे एक बार रिवाइज कर रही थी, लर्न कर रही थी, और देन उसके बाद मैंने इसे बंद कर दिया। और इसके बाद मैंने किया साइंस। साइंस में मेरे को मॉडल पेपर 2 सुनाना था स्कूल में, तो मैं डिफरेंसेस एलिवियोलाई एंड नेफ्रॉन का कर रही थी, और ब्लड एंड लिम्फ का। और फिर मैं कुछ डायग्राम्स देखे मैंने एक बार, और डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देख लिए, और मैंने होमेनाइका देख लिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कमेंट ऑन मिलो। ओके, बाय।